السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب سدي لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني قولي زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم آپ سب کا خیر مقدم ہے لغة العربية لغير ناطقين بها آجهم नन सख़ीला और नून खफीफा के बारे में पढ़े पढ़ेंगे तो शोरबी में हम इन्ना सीखे इन्ना स्ट्रेस देने के लिए किसी ताकद देने के लिए हम इन्ना सीखे फिर ला मुजह सीखे फिर खसम जवाबलकसम देखें उसी तरह नन सख़ीला और नन खफीफा लगाया जाता है और ये सिर्फ फैल मुदारे और फैल अमर में लगाया जाता है मादी में कभी नहीं लगाया जाता तो इस तरह से लगाया जाता है नून खफीफा तो बहुत कम लगाया जाता है बहुत आसान है इफ़ आलन इफ़ आलन तो इफ़ आल मतलब करो और इसको नून सखीला खफीफा लगा खफीफा यानी हल्का एक ही वाला <laughs> इफ़ आलन इफ़ालन नून खफीफा बोलते हैं इसको नून सख़ीला में क्या करते हैं नून साकिन नून तशदीद वाला लगाते हैं इफ़ आलन इफ़ आलन यानी इफ़ आलन और नून साकिन के साथ नून तशदीद इफ़ालन करिए करना ही होगा आपको इसका तर्जमा ऐसे होता है इफ ताकि देने के लिए स्ट्रेस देने के लिए करना ही होगा आपको ये काम ये काम इफ आलन इय、बहुत कम इस्तेमाल होते हैं बहुत कम इस्तेमाल होते हैं नून फला नफीफा के कुरान में इस्तेमाल होता है दोनों में फर्क क्या होता है जैसे यफ आलूना था ना यलूना तो दोनों में फथा दम्मा का कसा होता है तो यफ आलुन्ना इसका मतलब है वो सब उन सबको करना चाहिए ये ज, ज, जमा की जमा की जमा के लिए इस्तेमाल होता है फिर डूल के लिए क्या करते हैं यफ आल नानी यफ अलानी फिर उसके बाद आनी लगा देते हैं यफ नानी तो बहुत ही टंग ट्विस्टिंग है ये और ये फिर या यना तफालना को भी या यफालना इस तरह से करते हैं हम इनशा देखेंगे सारे इसके आ, नून सखिला नून मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है बस स्ट्रेस देने के लिए आता है आ, इसके मिसालें देखेंगे बिस्मिल रहीम यल तफ् नवा फिरा वल बरदू शल देखिये नून क्या तुमने ही खोला यानी ये दे रहा है बहुत क्या तुमने खोला नवा बढ़ दू शदीद जबकि ठंडा बहुत ठंडी बहुत है है तो खिड़कियों को तुमने क्यों खोला मतलब तफत नवा फिर ये इस्तेमाल कर रहे तुमने खोला खिड़कियों को जबकि सर्दी बहुत है हल तफत ये इसको बोलते नून सकीला भारी वाला सकील तफतहन्ना यानी कैसी मजाल हुई तुम्हारी कि तुम जो है खोल रहे हो खिड़कियाँ तफ्ताहन, ला ला खिड़कियों को ला यानी हरगिज हरगिज मुदारे और अमर बस दो ही में इस्तेमाल होता है मुदारे और अमर दो में इस्तेमाल होता है خفیفا और नखिलाफ ला तफता देखे यानी हरगिज हरगिज तुम मत खोलो खिड़कियों को इन नाफित सगी सिवाय छोटी खिड़की के तो इन नाफित सगी तो याद रखिए हम करे थे के, आ, आ, इस्तिस्ना, इस्तिस्ना करे थे और ये ताम है के कंप्लीट है बिल्कुल है ताम याद करिए ताम म, मतलब मुस्तसना मिनहु मौजूद है तो मुस्तसना मिनहु मौजूद है यहाँ पे क्या ये मूजब है नहीं ये गैर मुजब है गैर मुजब है तो आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु है यानी गैर मुजब है तमिलनाडु है क्योंकि ये नेगेटिव है हम रहा ना तो नेगेटिव है तो आपके पास चॉइस है आप मनसूब भी कर सकते हैं या फिर से मनसूब भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना तो ऑब्जेक्ट तो मनसुब और मनसूब दोनों भी मनसूब है इसलिए यहाँ पे भी मनसूब आया इल्ला के बाद हल्ला तुनक तुनक दिफुन्न हल्ला हल्ला काश के तुम हल्ला का मतलब किसी को हम पढ़े थे तहदीद बोलते हैं ना तहदीद तहदीद यानी किसी को किसी को तजी देना उभारना अगर फेल मादी के साथ हल्ला आता है तो उसका मतलब डांटना है और अगर फेल म, 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 मुदारे के साथ आता है तो यानी क्यों नहीं करते हो इस तरह हल्ला तु नफुना देखिए यहाँ पे दम्मा आया है तो नव वफा यु नु ना उनके साथ लेकिन वाव को हज कर देते हैं और फुन्ना बना देते हैं तो दम्मा से पता चल रहा है कि ये जमा के लिए इस्तेमाल किया गया है तो क्यों नहीं तुम साफ करते हो बोर्ड को साफ क्यों नहीं साफ करते हो या खुआन हो उदीद मुहिमन मैं तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बहुत मुहिम चीज बताने वाला हूँ इस्तमा यस्तम फॉर्म टेन फस्तम ये भी दम्मा से पता चल रहा है कि ये प्लोरल के लिए इस्तेमाल हुआ है फस्तम hmm. तुमको सुनना ही सुनना होगा इलेग्या hmm. मेरी तरफ कान लगा के सुनो ध्यान से सुनो इन मिन अहम वाजिबात मुस्लिम अद्दावत इलाह अहम मा युहम या ये तो दूसरा है अहम अहम यानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट <coughs>

और तुम लोग क्या करते हो तमरुन बिल मरूफ तुम लोग अमरा या भलाई का हुक्म देते हो वह तनहना नहा यन्हा तनहा तनहयानी तनहना और बुराई से अनिल मुंकर बुराई से रोकते हो तो तुम मिनु न बिल्ला और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो आमना बिल्ला और अल्लाह तजल कहते हैं उनके कलाम में से

कि हम अल्लाह की तरफ अन्ना अन्ना ऐसे, ऐसे मनसूब है कि हम लोगों को बुलाए अल्लाह के दीन की तरफ अहमद हुसैन तो यहाँ पे कुछ शर्तें हैं कि जब जवा जवाब के बाद लाम और फेल मुदारे आता है तब जो है आपको नून सखीला लाना ही लाना पड़ेगा कंपलसरी है तो यानी खसम आया फिर फैल मुदारे इस्तेमाल किया गया है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है मुजब सेंटेंस है और लाम आया है इसका आ, तो लाम के साथ जो है इनशाला हम आगे देखेंगे तो आप वह इस्तेमाल नहीं कर सकते आपको जो है नून सकीला लाना ही लाना होगा तो वही बोल रहे हैं ला दीन ला फीबल दी। बेशक अल्लाह की कसम मैं लोगों को बुलाऊंगा अल्लाह के दीन की तरफ दावत दूँगा मेरे कंट्री में आ, अली ने कहा वाहन फीबादी अल्लाह की कसम हम बेशक फैलाएंगे इना की तरह यानी बहुत ज्यादा लान यानी फैलाएंगे ही फैलाएंगे अल इस्लाम फी बलदी इस्लाम हमारे देश में हामे दोनों अल्लाहारी बन का बलदीना अल्लाह की कसम यानी जंग लड़ेंगे हम किससे जंग लड़ेंगे अश्शर का अश्शर का बिद आयतफी बल्दीना शिरबिदात से हम लड़ेंगे हमारे आ, मुल्क में जुहर ने कहा देखिये देखिये बनना यहाँ पे नून फ़कीला इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा लेकिन अगर आप नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं ला के साथ तो जब जरूरी नहीं है तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा शुरु न दीना बिलान मुस्लिम पे अल्लाह की कसम हम कुफ़ार को नहीं छोड़ेंगे कि वो अपना दीन फैलाएं न शरा का मतलब फैलाना है अपना दिन फी बिलान मुस्लिम मुसलमानों के कंट्री मेंसऊाफन लसऊलि करना नहीं चाहिए लसऊतुबन अल्लाह की कसम में लिखूंगा किताबे अल्ला फिफुन कम्पाइल करना लिखना मैं लिखूंगा किताबे बिलु का इंग्लिश जबान में लिखूंगा इस्लाम इस्लाम के तालीम यानी टीचिंग तालीम इस्लाम के तलीमत को फैलाने के लिए मैं किताबें लिखूंगा मदरस ने कहा बार्फ़ी वफ़ुम खैराम बार्फी व वफ़ुम तुम सबको कामया दी कामयाबी दे जिसमे लिमा यानी जिसमे फी ही जिसमे इस्लाम के लिए भलाई हो खैर हो और मुसलमानों के लिए भी वालसलिमिन वाल जान लो

अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो किसके किसके साथ बिलहिकमती हिकमत के साथ वल वती माउरतल यानी अच्छे बादज़ नसीहत से अच्छे बातों से वजिल और उनसे जिदाल करो जिदाल यानी आर्ग्यू करो बहस कभी हो जाए लेकिन किस तरह से बिल लती ही आसन यानी अच्छे तरीके से बहस मुबास करो ऐसे नहीं कि झगड़ा झगड़ा नहीं करना है

िब का अल्लाह की कसम हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ये फ्यूचर नहीं है प्रेजेंट है इसलिए नून नहीं लाए हैं या उस्ताद अल्लाह की कसम हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं या उस्ताद उसका लो मुर अच्छे मुरबी हैं मुरबी यानी जो तरबियत करता है इंसान अच्छे टीचर हैं बोल सकते हैं या जो तरबियत करता है हर चीज़ जो है देखता है अल्लाह आपको जजाय कैद हमारी तरफ से سب سے بہترین جزا مدرس نے فرمایا الآيات يا یا عبد الله آیات کو پڑھو عبد الله بعد السعاده والبسملہ استعاذہ وبسملہ کے بعد ولا تحسبن حسبا يحسب ہاں حسبا يحسب حسبا کا حسبا یاحسبو بھی ہوتا ہے شرط یہ بھی ہوتا ہے تحسبن ولا تحسبن یعنی يعني فلگظہ فلگظنا سوچنا یہ گمان نہ کرنا حسبا یا يعني سوچنا گمان کرنا ایزوم کرنا वाला तहसबन ये ना सोचो कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाते हैं फी सभी अमवा था मुर्दा हैं बल 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 अहिया लेकिन वो जिंदा हैं बल यानी बट बट आ, दो तरह के बल होते हैं इन शह हम देखेंगे एक जो है पहले का कैंसिल कर देता है और दूसरा आ, बल जो है कैंसल uh, नहीं करता मतलब और उसके बारे में बताता है और वजाहत करता है हम देखेंगे बल के बारे में लेकिन जनरली बल का मतलब बट होता है यानी लेकिन के माने में आता है बेशक वो जिंदा है अपने रब के पास और उनको रिस्क दिया जाता है हम मजहूल है ना रुख़ुर युर तो इसको हाँ, हाँ जबर करके नून ला, नून सखीला ला रहे यानी अल्लाह हरगिज हरगिज मदद करेगा किसकी मदद करेगा मन जो कुछ अल्लाह की मदद करेगा यानी अल्लाह के दीन की मदद करेगा वन आमा यबलुगन अगली आयत देखिये बाल यानी पहुंचना इमां बरा आह यानी अः उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की तरफ आ, पहुंच जाता है किला हुमा या दोनों भी पहुंच जाते हैं फला तखल्लामा तो उन्हें क्या ना कहो उफ तक ना करो यानी झिड़की ना दो कुछ ना, बुरा बुला मत फिर वला तनहर हुमा नहरा या नहरू यानी छोड़ दो तनहर का मतलब आ, आ, छोड़ने के माने में है शायद देखता हूँ

आ, ये यानी खंदक के टाइम पे खंदक खोद रहे थे ना सारे मुसलमान तब कह रहे थे कि अल्लाह की कसम लहतना अगर अल्लाह ना होता तो हम हिदायत पे नहीं आते वला सुमना वला सलना हम ना रोजा रख पाते ना नमाज पढ़ता पढ़ पर पाते फन जीलन सकीन तन आलिना देखे अन जीलन नून खफीफा इस्तेमाल किया गया انزل يعني سك. نازل کر انزل ينزل انزلن نازل کا سکینتن علینا سکینہ یعنی سکینت نازل کا وثبت اقدام الا لقينا اور ہمارے قدموں کو جما دے ثبت يثبت وثبت الاقدام الا لقينا جب ہم دشمن سے ملیں گے لاقی الاقي ها قد بغوا علينا والمش مشکین جو ہیں بیشک بغى يبغي یعنی ہمارے बगावत करें। बगावत नहीं बोलेंगे हमारे साथ ज्यादा ट्रांसग्रेस कर रहे हैं हमारे साथ कर रहे हैं हमारे इदा अबाईना। जब वो फितनत, फितना फितना फैलाना चाहते हैं अबा अबैना हम लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं हुं? तो, तो यानी कोई काम करते हुए खत ये गुनगुनाते थे एक पूरे एक साथ फिर बोलते थे वाला तो इसी तरह, इस तरह से और दो तीन चीजें हदीस में आती हैं जब वो खोदते खोदते पढ़ते जाते थे पढ़ते जाते थे दुआ की तरह है ना अलमुदायस या विलियम बैत को पढ़ो यानी शेर को पढ़ो विलियम इदा वई तनुयू बल्लई तिबा इजतन जब आप देखें नुयू बल्लई ना बा या ना यानी नाबा सॉरी ये दूसरा है नुयू शेर के अगर दांत देखें बाद इजतन यानी बाद इजतन यानी क्लियर वाजे तौर पर अगर आप देख लेते हैं शेर के दांत फला तदुनन तदुनु यानी सोचना तदुनन फिर से आए तो मत सोचो यानी हरगिज हरगिज ये ना सोचना था के शेर ई है अब या मुह शेर मुस्कुरा रहा है मुस्कुरा रहा ना सोचना क्योंकि शेर मुंह खोलता है तो आप उसके दात देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्कुरा रहा है वो अटैक करने आ रहा है आपको चीर फाड़ने के लिए अपने दांत दिखा रहा है वो मुस्कुरा रहा है ये ये मत सोचना यानी कोई बड़ी मुसीबत जब दिखती है तो ये मत समझो कि ये वो छोटी मुसीबत है हो सकता कि वो हाँ, हलाक कर दे आ, मुसीबत। मुसीबतेंगे तो मुस्कुरा रहा है तो ये नून जब सकीला है यानी नून सकीला बोल सकते हैं ताक़द के लिए आता है स्ट्रेस देने के लिए आता है ला तह सबन्ना وللتوكيد نون اخرى اخر نون هاي توكيد كليه هي نون التوكيد الخفيفة نون خفيفة بي بول سكتاين نحو فأنزلن سكينة علينا أنزلن اكسرا نون كيو هاي اي لا هنازل هن کر بشك تو نازل کر سترس دي نيكي سكينة علينا سكينة کو نازل کر لا يؤكد الفعل الماضي وقبه بي فعل ماضي كسات تاكيد كليه نهي آتا ها ويؤكد المدارع والعمر اكد يؤكد يعني تاكيد كليه

तद हबुना तुम तुम सबको जाना ही जाना चाहिए फिर अजहबी लड़की के लिए इधाबिन्ना तो हरफो याल मुखातबिल्त सकें या मुखातबा जो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है या इसको निकाल लें ला तजही ला तजहबिन्ना फासलोना इध हबीनाध हबीना था ये तो इसको भी निकाल देते हैं तद हबीना तद बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन जहाँ भी आता है हम कुरान में शायद चार पाँच बार इस्तेमाल होगा या उससे ज़्यादा

जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि इतना कम इस्तेमाल किया गया है तो बस ऐड कर लेंगे इजहबानी कैसे बनाते हैं इजहबानी ला तजहबा तद्धादा, ला तजहबानी कसरा दे दिया जाता है वो तुक सर नूनो तो कसरा तजहबानी तजहबानी तो जफ़ नूनो रफ ले तवाल मिसाल फिर इधबन इसलिए लास्ट में लाए क्योंकि बहुत कम इस्तेमाल हो इजहबन इद्धादन ये इजहबना इजहबना ये आ, इसको, इस आ, औरतों के लिए इस्तेमाल होता है इद्धवन, तुम सब तो इसको क्या करेंगे बाकी रखेंगे तौकीद नून तो कसरा दे नून को और आ, इसके साथ ही इस्तेमाल इधब ना तो यहाँ पे आन नहीं था यहाँ पे नानी था क्योंकि ये नून को डिलीट नहीं कर सकते इधहब ना तुम सब औरतें जाना ही जाना चाहिए ला तबन लातना ला तो तब नानी नहीं निकाल देते हैं क्योंकि वो फाइल है यहाँ पे देखिए वाव को निकाल दिए थे लेकिन यहां पे भी वाव वाव फाइल फाइल है वाउ है क्यों 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 निकाल दिया क्योंकि ये दम्मा से पता चल जाता है ये दम्मा से पता चल जाता है कि वाव था वहां पे लेकिन यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो कैसे पता चलेगा कि औरतों के लिए बोल रहे हैं अगर ये ला तजहबा ये वाला

वाव को वापस ला लेते हैं तो नाकिस का जो है ना वो वापस ला लेते हैं लफाल लाते बिनुन नून तौकीदी नून तौकीद के साथ लगाई है तो एग्जाम्पल देखे उखरुज उखरुजन सिंगुलर है तो फतेह के साथ लाएंगे हम इसका आंसर खोल लेते हैं ये देखे उन्ना फिर उद ये पेश के साथ है तो उद तुम सब दाखिल हो उदुलना इडली सी इद्ली या को हर्ज करके बहुत आसान है एक बार आइडिया आ जाए तो इडली सिन्ना इडली आलिफ है तो नून ला लो डुअल के लिए इशरबा ये इशरबा तुमको पीना ही पीना होगा उक्तुबन, उक्तुबना उक्तुब नानी ला लेते हैं इजरी

है? है। इसको देंगे दे दे दे। सिंगुलर है ना ये तो वैसे ही कर देते पीना ही पीना होगा तदरबन तुमको मानना ही मानना होगा ला तखरुजु ला तखरुजन्ना एक बार आदत हो गया तो वही वो होता है मोदे मोदे यानी कौन से कौन से जगह पे इसको देंगे

यजीज तो, इनका हाँ? है ना तलबियान वो जायज है कि वो तलबी हो तलबी जानते हैं ना फेल अम, अ, 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 नहीं और इस्तेफाम इसको कहा जाता है था 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 था। लेसन थर्टी में पढ़े थे जैसे वाला क्या है नहीं है ना सोचो अल्लाह के, अल्ला के हरगिज तुम ये ना सोचो कि अल्लाह गो भी जालिम लोग कर रहे हैं हाँ? लिया, लिया लिया है ना? तो यहाँ पे देखे लाम इस्तेमाल किया गया है तो जायज़ है आप इस्तेमाल यानी सबको अपनी जगह बैठे रहना चाहिए क्या आप सफर कर रहे हैं जबकि आप मरीज हैं कैसे सफर कर रहे हैं जबकि आप मरीज हैं हल्ला क्यों नहीं तुम कोशिश करते हो यानी कोशिश करो करो क्योंकि एग्जाम खरीब आ चुका है अल्लाह तस्तही तस्तही दू तस्तन दूसरा वाजिब हम्म दूसरा है ये जायज़ है ना जायज़ है अमर और मुदारे में अगर तलब ही है लेकिन करीब उन मिनल वाजिब यानि वाजिब के करीब है इदा वक़ा बदमा शरतिया इम्मा और शर्तिया के बाद आता है वही इन उदत बिमा जायदा यानी इमा इमा यानी इन के साथ माँ जायदा इस्तेमाल किया जाता है तो असल में वो तो इन ही है वो जैसे शर्तिया हम पढ़े थे लेसन थर्टीन फोर्टीन में शर्तिया इन इन ताकुल आकुल अगर आप खाएंगे तो मैं भी खाऊंगा ये इन लेकिन माँ जायदा भी इस्तेमाल करते हैं इम्लु गन्ना कल खे बा इम्मा अब लन्ना यानी खरीब है ये पूरा नहीं है लेकिन ज्यादा करना चाहिए फारे तो हो और, और ला आए तब जो है आ, वो करना चाहिए विकलासती शुरू तीन शर्तें उसकी बतन, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए वो हो। मुस्तब फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए मफसूल मिल फासिल। और ए, मफसूल मफसूल नहीं होना चाहिए दोनों में दोनों एक साथ आना चाहिए मुतसिलेशम ने कहा ना मैं आपके वो, वो तोड़ूंगा असल तुम्हारे आ, सनम को सनम असलम यानी बुतों को तोड़ूंगा तो वह आया ये फ्यूचर के लिए है और पॉजिटिव है जायज़ नहीं है कि आप नून लेके आए अगर ये तीन शर्तें चले जाती हैं ये पॉजिटिव नहीं है। तो आप नहीं बोल सकते ये क्या है ये ये भी टेंस है ना लिखा नहीं ये हाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रेजेंट है ये नहीं कर सकते आप

यजूज ये पूरा इनश् देखे आपना यजीबी जवाब खसम के साथ आया तो वाजिब है तो बोल रहे ये खरीब उनमिन वाजिब है इमा का फला तर ये भी यजूज है तो यानी खसम के बाद आया तो वाजिब है बाकी सब जायज़ है ये क्या है जायज़ है ये भी फैल तोल है

फिर दूसरा स्टूडेंट बोलेगा इफल कदा ये काम कदो कदा या नहीं सो एंड सो तो वही लेकिन ला के साथ आए तो नून सखिला इस्तेमाल नहीं होता अफालू कदा मैं ये काम नहीं करूँगा मिसाल ला तदली सुना जैसे मिसाल है ला तदली सुना तो मत बैठो इधर तो वो बोलेगा हरगिज बैठ हरगिज बैठूंगा इधर

हफ्ते से necessary... मुबत आया तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा नून के साथन उद, ये तो सेम ही रहेगा ना मनफी है ये नजूर गे मुस्बत आया है और फ्यूचर के लिए है का गेंगे हाँ, आपको, आपको कल मिलने ही मिलने आएंगे कैसे भी अकू तनालाब मैं पसंद नहीं करता कि लोगों को अल्क लगाया जाए तनाबुज यानी लगाना कुरान में भी आया ना लोगों को बुरे नाम लगाना लक्राहु ये ये ला, इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हाल है फ्यूचर नहीं है फ्यूचर होना चाहिए मैं ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम यहाँ से निकलने के बाद मैं लोगों को लगात तो फ्यूचर है और मुस्बत है तो आप लाएंगे किताबन मुफ़ी मैं आपको दूंगा एक बहुत बेहतरीन किताब लेकिन सऊफा आ रहा है तो नहीं करेंगे वह लसऊ फारो का किताबन मुफीद अगर नहीं होता तो करते थे लसऊ फारूथी का सोचता हूँ कि वो आ, सही, है। सवाब, सवाब सही है ये सवाब के साथ नहीं है के साथ मतलब अज्र। सवाब सही। ये भी नहीं आएगा वहअुलवाबन क्योंकि हाल है ना मुस्तबिल नहीं है

मैं अतः जब

नहारा का मतलब भी देख नहारा या नहरु अभी बफ़ शायद टॉक हार्शली उनसे चिढ़ के बात करना बल अहिया हूं अब बल के बाद में पढ़ा है नेक्स्ट आए बल हम अहिया उन आखिरी है ये अच्छा बल अहिया हूं आई बल हम अहिया हूं बल का मतलब इजाद बल कबल जुमले अगर बल जुमले से पहले आता है फैया हल्फ इब्तदा तो वो इब्तदा का हल्फ है और तुफीद उल इदराब इदराब यानी पिछले वाले सेंटेंस को अबैंडन कर दें छोड़ दे रहे हैं आप यहाँ पे बोला है ना अल इदराब 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 लिटरली अबैंडन छोड़ना द पार्टिकल बल सिग्निफाइज अबैंडन योर सब्जेक्ट प्रोसीडिंग इट एंड प्रोसीडिंग टू अ डिफरेंट सब्जेक्ट तो यानी सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं आप इदराब वाल इदराब इम्मा इब्तालीयुन कमा फी हादी इबतली हो सकता है जैसे इब्ताल यानि आप पिछले वाले को कैंसिल कर रहे हैं बातिल बातरार दे रहे हैं जहाब तो मुस्तफ़ा मैं हॉस्पिटल को गया अरे फिर मुझे रियलाइज अरे हॉस्पिटल नहीं स्कूल बोलना चाहूँगा बल एल मदरसा बल एल मदरसा तो बल लाते हैं बल एल मद्रसा थी वो इम या इंतकाली यानी ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है ट्रांसफ़र जैसे कोई और टॉपिक के बारे में इंतकाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बल जो है इब्ताली हो सकता है या इंताली हो सकता है कमाफी बल तो नया लेक लेकिन तुम ए, इस दुनिया को पसंद करते हो यानी पिछले वाले को कैंसिल नहीं कर रहा है ये बस ट्रांसफर कर रहे हैं अगले सब्जेक्ट पे आ, अगले टॉपिक पे ट्रांसफर कर रहे हैं इतराब इब्तली और इतराब इंताली ये है और अलहमदिल्ला लास्ट लेसन बचा हुआ है हमारा रब 34 जिसमें हम ममनो मिनसल्फ के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत ही आसान है ये वाला इंशाल्लाह सारे लेके आते छोटा सा ही लेसन है देखेंगे हम इंशाल्लाह लास्ट लेसन और फिर इंशाल्लाह आगे कभी देखेंगे इंशा अल्लाह نون أن ننتقل إلى الخفف والرابط والتعقيد إن شاء الله تعالى. نعم. إن شاء الله جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم ورحمة الله وبركاته